हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सजने की सब्जी बनाएंगे, जिसके लिए हमने आलू और सजने को काट लिया है। देख सकते हैं, सजने को आपको इस तरीके से काटना है जैसे कि मैं काट रही हूँ। आपको ऊपर वाला इसका छिलका हटा देना है, जैसे कि दिखा रही हूँ कैसे काटना है। आपको सबको हटा देना है, इसी तरीके से आपको सबको काट लेना है और छिलकों को अलग कर लेना है सबको। अब उसके बाद मसाले के लिए चाहिए आपको लहसुन, राई, जीरा, काली मिर्च। अब इन सबको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। सबको अच्छे से पीसना है। देख लीजिए, हमने इसे पीस लिया है। टमाटर भी हमने काट लिया है। अब हमें कढ़ाई में सरसों का तेल डालना है। अब तेल को थोड़ा सा गरम होने देंगे। देख लीजिए, गरम हो गया है। अब इसके अंदर राई डाल देंगे। हमने राई डाल दिया है। अब इसके अंदर वो सब्जी डाल देंगे। सब्जी को धो लिया है अच्छे से, सजने और आलू को। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे। देख लीजिए, ये थोड़ा सा हो गया है। अब इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। आप अपने हिसाब से लीजिएगा धनिया पाउडर। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, बिहारी स्टाइल में सजने की सब्जी। देख लीजिए, हमने इन सबको मिक्स कर लिया है। अब सब्जी के अंदर डाल देंगे। डाल लिया है हमने सब्जी के अंदर। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने हो गया है, आप देख सकते हैं। अंदर स्वाद अनुसार अब नमक डालेंगे। आप अपने अनुसार नमक लीजिएगा। देख लीजिए, डाल दिया है हमने। अब इसे मिक्स कर लेंगे नमक को सब्जी के अंदर। अब इसे ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। देख लीजिए, ये हो के पक गया है 5 मिनट तक। मसाले को हमने 5 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब इसके अंदर पानी डालेंगे। आप अपने अनुसार पानी डालें। देख लीजिए, हमने डाल लिया है पानी को भी अच्छे से। इसे 5-6 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से, ताकि हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। देख लीजिए, अब इसके अंदर धनिया वनिया डाल के अच्छे से मस्त से बन गया है हमारी सब्जी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगी है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मस्त लगेगी आपको ये सब्जी, बिहारी स्टाइल में सजने की सब्जी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।